भोपाल गैस पीड़ितों को केंद्र सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। भोपाल के गैस पीड़ितों को अब केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के दायरे में ला दिया गया है। भोपाल में गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनना भी शुरू हो गए हैं। ये मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। दुनिया की बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी को माना जाता है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई थीं। इस त्रासदी के बाद से आज तक कई पीढ़ियां इसका दंश झेल रही हैं। इस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ कई छोटी छोटी यूनिट तो बनाई, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही थीं। केंद्र की मोदी सरकार ने अब इस त्रासदी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य गारंटी दे दी है। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। गैस पीड़ितों को कार्ड बनवाने में परेशानी ना हो, इसके लिए निश्चित स्लॉट देकर बुलवाया जा रहा है। प्रोसेस देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है। तमाम गैस पीड़ित जो हैं उनको समय के साथ में अपॉइंटमेंट देकर यहाँ बुलाया जा रहा है और एक काउंटर अस्पताल में बनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर एक पूरा पोर्टल है उसमें उनकी एंट्री होती है। समग्र आईडी के जरिए उनकी पूरी डिटेल निकाली जाती है और उसके बाद किस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आकाश हैं। सर, अभी फिलहाल में तो जितने गैस पीड़ित लोग हैं उनको हर दिन स्लॉट दिया जा रहा है। 20 to 25% को कॉल लगा के यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनके आयुष्मान बनाए जा रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लाने होते हैं? उनको समग्र आईडी, आधार कार्ड और BMHRC का कार्ड। जी, कितना समय लगता है? अराउंड 10 मिनट्स। भोपाल के कई गैस पीड़ित या उनकी कई पीढ़ियां ऐसी भी हैं जो नौकरी, व्यवसाय आदि की वजहों से भोपाल तो क्या बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में जा चुकी हैं। गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था अभी सिर्फ भोपाल में ही है। ऐसे में उनको यदि मुफ्त इलाज चाहिए होता था तो भोपाल आना पड़ता था, लेकिन अब आयुष्मान योजना के माध्यम से वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश के किसी भी कोने में करवा सकते हैं। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फायदा है। और जो 5 लाख का तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के अतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज, अपना इलाज कर, जिस लाइन से भी इलाज कराना हो उसका, हार्ट का या जिस वक्त का। पहले ऐसा था कि मतलब अपने गैस पीड़ितों को गैस पीड़ित के हॉस्पिटल में इलाज मिलता, अब सब जगह मिल जाएगा। फ़ायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हाँ, हमारा कार्ड बन गया, हमारे घर में सभी का बन गया। इलाज के लिए पहले हमें खाली भोपाल मेमोरियल या उसकी साइड की ब्रांचों में जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये है कि हम आयुष्मान की वजह से हम किसी भी अस्पताल के अंदर जाके अपने, क्योंकि बीमारी तो आती नहीं है, कह के मल्टी उसके अंदर आप इलाज करा सकते हो, उससे बहुत फ़ायदा है हमें। जैसे हमारे बच्चे बाहर हैं और हमारे पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है नहीं, तो वो जाहिर है कि अब हमने आयुष्मान जमा करा और हमारा इलाज वहाँ पे हो गया, तो इससे फायदे बहुत हैं हमें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की पहल पर गैस पीड़ितों के कैंसर का मुफ्त इलाज भी भोपाल एम्स में शुरू हो चुका है। पिछले 10 सालों में भोपाल गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए बनाए गए BMHRC की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाकर बड़ी राहत दे दी है। साल 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की बड़ी औद्योगिक गैस त्रासदियों में से एक थी, जिसका दंश भोपाल के लोग आज भी झेल रहे हैं। कई पीढ़ियां इसका दंश झेल रही हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी कि भोपाल के गैस पीड़ितों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस अनुशंसा को हरी झंडी दी और अब वो वक्त आ गया है जब भोपाल के गैस पीड़ितों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य गारंटी आयुष्मान योजना के तहत मिल रही है। ये उदाहरण डबल इंजन सरकार के फायदों का भी है। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD News भोपाल।